नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता रनिंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी एनसीईआरटी का 63वां मतलब 63 स्थापना दिवस था, जिसमें आपके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। मतलब अब आपकी एनसीईआरटी जो है वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। मतलब अब एनसीईआरटी अपनी खुद की डिग्री दे सकती है, खुद के कोर्स लॉन्च कर सकती है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी को दे दी गई हैं, जिसका क्या फ़ायदा होने वाला है कि आपकी जो भी पूरे भारत में 22 भाषाएं हैं उसमें पूरा कंटेंट आपको आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना आए, तुरंत 22 भाषाओं में सारा कंटेंट जो भी है वो कन्वर्ट करके बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि आपकी एक और स्कीम चली थी जादुई पिटारा करके, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे अलग अलग रीजन से आते हैं, आपको पता है, कोई यूपी से है, बिहार से है, ठीक है, या कन्नड़ कोई बोलता है, तमिल है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रीजन है, गुजराती है, तो इस प्रकार से जो भी आपकी 22 भाषाएं हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया। तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, और कब दिया गया, जो एनसीईआरटी का 63वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है उसमें इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।